welcome back to my channel Gulga Pagal. I am Pooja and welcome to the Orange City, Nagpur. If you guys don't know, we are in Nagpur for 2 days. This is part 2. Part 1 is already live on my channel. Go watch that. It has a lot of delicious food. और ये वीडियो में भी हम बहुत सारी डिलीशियस चीज़ें खाने वाले हैं। आई नो दो वीडियोस बहुत कम है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि मैंने जो भी चीज़ें मिस किए ना, मुझे कमेंट्स में पक्का बताना। आई वुड लव टू कम एंड एक्सप्लोर नागपुर अगेन। आज के वीडियो में भी हम बहुत सारी डिलीशियस स्ट्रीट फूड खाएंगे, हम फाइनली आज संतरा बर्फी खाएंगे जो हमने लास्ट वीडियो में नहीं खाई, और बहुत कुछ। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अब हम हमारा दिन स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस जगह के साथ। आप भीड़ देख के ही समझ जाओगे कितनी फेमस है। यहाँ पे हम खाने वाले हैं समोसा पोहा तरी। लेट्स गो। ये वीडियो की शुरुआत हम करने वाले हैं संजय उपाध्याय आके। अभी अब तक तो हमें पता चल गया है कि नागपुर इज़ फेमस फॉर इट्स तरी, पोहा, समोसा, बट मुझे एक ऐसी डिश ट्राई करनी थी जिसमें तीनों ही साथ में आए, विच इज़ समोसा पोहा तरी। सो दैट इज़ व्हाई आई हैव कम टू दिस प्लेस इज़ क्रेजी पॉपुलर। इवन तो मैं यहाँ पे थोड़ा लेट आई हूँ, 12:30 बज रहे हैं, बट स्टिल आई कैन सी सो मैनी पीपल एन्जॉइंग अ गुड प्लेट ऑफ समोसा तरी, कचौरी तरी और समोसा पोहा तरी। वैसे नाम में ही आपको पता चल गया होगा व्हाट एग्जैक्टली दिस इज। सबसे पहले इन्होंने एक समोसा लिया जिसको पूरा क्रश किया, फिर उसके ऊपर डाला पोहा, देन चना तरी। एक चीज जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, मुझे ना बहुत सारा ऐसा सेव दिख रहा है, और उन्होंने अनियन भी डाला। इतनी गरम गरम तरी डाल देते हैं कि समोसा एकदम ही ऐसा मशी हो जाता है। ओ वाओ, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये ना मैं प्रिपेयर थी कि बहुत स्पाइसी होने वाला है, बट एक्चुअली मीडियम स्पाइसी है। और ये तरी में पीस डाले हुए हैं, जो वटाने होते हैं वो डाले हुए हैं। दिस इज लाइक प्रॉपर महाराष्ट्रियन तरी जो मैं अब तक खाती आ रही हूँ। कल जो हमने खाई थी वो मेरे लिए न्यू थी क्योंकि उसमें चना थे। इसमें प्रॉपर वटाने हैं, सेव है, कांदा है एंड द टेस्ट ऑफ पोहा। सो तरी जो है वो सारा स्पाइस ला रही है। काला मसाला जो होता है वो इन तरियों में बहुत पड़ता है, उसके वजह से उसका एक डिस्टिंक्ट कलर और फ्लेवर आता है। समोसे में भी पीस और मशी आलू एंड पोहा जो एकदम नरम हो गया है बिकॉज ऑफ ऑल दैट हॉट तरी। फिर एक और चीज़, इसमें क्रंची टेक्सचर आ रहा है क्योंकि इसमें फरसान डाला हुआ है, तो फरसान में दाल वाला फरसान और सेव वाला फरसान मुझे दिख रहा है, और रॉ ऑनियंस का फ्लेवर अमेजिंग आई हैव टू से। कल जो हमने प्रीति कॉर्नर में समोसा खाया उससे ये मुझे फार बेटर लगा, और ओवरऑल इसमें जो तरी भी है अमेजिंग। जस्ट लुक एट दोज लेयर्स, तरी, फरसान एंड लेट मी शो यू द समोसा। लुक एट द समोसा, समोसा में भी स्पाइसेस थोड़े थोड़े डाले हुए हैं, मस्टर्ड सीड्स काफ़ी सारा डाला हुआ है, अमेजिंग। इसमें आपको धनिया और हरी मिर्च, उसका भी अच्छा स्वाद आएगा। टू गुड। नेक्स्ट जगह हम आए हैं वो है कैफे जॉन। नाउ दिस प्लेस इज अ लोकल्स फेवरेट फॉर सम साउथ इंडियन फूड। ये प्लेस 1970 में सेटअप हुई थी, एक काफ़ी ऐसे ओल्ड स्कूल टाइप प्लेस है। लाइक नाम सुन के ऐसे लगता है कैफे जॉन कोई ऐसे कैफे होगी, बट इट्स एक्चुअली एन ओल्ड स्कूल प्लेस विद वेरी लिमिटेड सीटिंग इनसाइड एंड टू टेबल्स आउटसाइड टू स्टैंड एंड ईट। एंड यू विल एक्चुअली फाइंड अ लॉट ऑफ लोकल स्पेशली ओल्ड एज पीपल हैविंग अ कप ऑफ कॉफ़ी और चाय एंड हैविंग सम डोसास। यहाँ पे मैंने एक मसाला डोसा लिया है, सम चटनी सांबार एंड सम कॉफ़ी। ऐसे मैं आपको पहले ही बोल दूँ, ये जगह पे आप एम्बियंस का कुछ एक्सपेक्ट मत करना, और फूड कैसा है चलिए वो खा के देखते हैं। सबसे पहले आप अंदर मसाला देखिए जो डोसे का है, लुक्स वेरी नाइस, मशी आलू, अनियन, पीनट्स, लेट्स टेक सम ऑफ दैट, और थोड़ा चटनी के साथ खाते हैं। वाओ, एक और बाइट लूँगी मैं। डोसा क्रिस्पी है, बट ऐसा एक्सट्रीमली क्रिस्पी भी नहीं है,
थोड़ा सा थिक है, क्वांटिटी वाइज अमेजिंग। अंदर ये जो मसाला है वो तो बहुत अच्छा है। एक बार आप देखेंगे डोसा का टेक्सचर परफेक्ट एकदम। इट्स अ लिटिल थिक दो, ज़्यादा पतला नहीं है। अंदर आलू, जो मसाले वाला आलू है उसका बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है। उसमें जीरा, पीनट्स, मस्टर्ड सीड्स बहुत डाले हुए हैं और ढेर सारा धनिया भी। चटनी भी काफ़ी थिक है, चटनी में भी राई काफ़ी ज़्यादा डाली हुई है, जीरा डाला हुआ है। चटनी इज नाइस, कुछ ना तड़का नहीं डाला हुआ है, कोकोनट का स्वाद और हल्की हल्की मीठी। और सांबार इज वेरी नाइस, सांबार चटनी से भी ज़्यादा अच्छा है। सांबार इज स्पाइसी नाइस। अभी सांबार और डोसा साथ में खा के देखते हैं। सांबार मस्त, काफ़ी स्पाइसी है, अच्छा है। पीपल इन नागपुर लव स्पाइस। ओवरऑल जस्ट हाउ अ नाइस डोसा शुड बी, वार्म, डिलिशियस एंड फिलिंग। एजेस काफ़ी क्रिस्पी है, सबसे बेस्ट चीज़ है। अब थोड़ी कॉफ़ी पीते हैं। ओह वाओ, द कॉफ़ी इज सुपर स्ट्रॉन्ग, एकदम ऐसे फिल्टर कॉफ़ी टाइप टेस्ट आ रही है इसमें। सुपर स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा मीठी नहीं है, इनफैक्ट हल्का सा वो बिटरनेस है कॉफ़ी का। कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट है, ऐसे मलाई टाइप का सा टेस्ट आता है वैसे इसमें कॉफ़ी में आ रहा है। ओवरऑल लव्ड इट। अगर आप यहाँ पे आते हैं, एज आई सेड, एम्बियंस के लिए ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, बट फूड वाइज रियली गुड। नेक्स्ट जगह हम आए हैं वो भी एक आइकॉनिक जगह है नागपुर की। इट्स कॉल्ड जुबली बेकरी। ये 100+ ईयर्स ओल्ड है और इनके काफ़ी ब्रांचेस भी हैं। एंड दिस प्लेस इज़ रियली फेमस अमंग लोकल्स फॉर इट्स पफ्स, कटलेट्स, सैंडविचेस, पेस्ट्रीज, एवरीथिंग रिलेटेड टू बेकरी। सो हमने यहाँ पे एक पफ लिया है, ये पनीर पफ है, एक कटलेट खाने वाले हैं और हम यहाँ पे एक पेस्ट्री भी खाएंगे। ये ना मुझे सारे बेसिक्स लगते हैं, पफ, पेस्ट्री और कटलेट। अगर आपको जानना है कि बेकरी एक्चुअली कितनी अच्छी है, यू शुड जस्ट ट्राई द बेसिक्स। सो आई एम गोइंग टू फर्स्ट हैव पनीर पफ। तो उनके पास था कॉर्न पफ, पनीर पफ एंड वेज पफ। चलिए लेट्स ब्रेक दिस। ओ दिस इज़ वेरी फ्लेकी, काफ़ी गर्म भी है। ये काफ़ी गर्म है तो ब्रेक करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है। द मेसियर द पफ द बेटर द टेस्ट। मैंने अभी तक अंदर की स्टफिंग टेस्ट नहीं किया, जितना पफ टेस्ट किया एकदम परफेक्ट था। एक बार आपको अंदर की स्टफिंग दिखा दूँ, लुक एट दैट, क्यूब्स ऑफ पनीर, अनियन and some spices, that's it. ये पफ एकदम परफेक्ट है, आप ये लेयर्स देखिए। अब पफ शुड हैव अ लॉट ऑफ लेयर्स, शुड बी फ्लेकी, इसमें तो वो है। अंदर की स्टफिंग एकदम अच्छी है, हल्की सी स्पाइसी, हल्की सी स्वीट, पनीर ढेर सारा डाला हुआ है एंड लॉट्स ऑफ अनियन, जो एक्चुअली अनियन ही थोड़ी थोड़ी ऐसे मिठास ला रहे हैं, धनिया एंड स्पाइसेस, दैट्स ऑल। सो पफ तो एक्चुअली काफ़ी अच्छा है। जब भी मैं पफ खाती हूँ मुझे काफ़ी ऐसे अपने बचपन की याद आती थी। बचपन में मैं बहुत पफ खाती थी लोकल बेकरीज से। तो नेक्स्ट चीज़ मैं ट्राई कर रही हूँ वो है एक कटलेट। दिस इज़ अ कॉर्न कटलेट। ओ लेट्स ओपन दिस एंड लेट्स लुक इनसाइड, लुक एट दैट, लॉट्स ऑफ कॉर्न, अनियन, स्पाइसेस और बाहर ये मुझे लेयर में दिख रहे हैं ब्रेड क्रम्स एंड पटेटो। ओ वाओ, सो वॉर्म, सो स्वीट, बाहर से एकदम ऐसा क्रम्बली, इतना क्रिस्पी नहीं है क्योंकि पटेटोज की एक बहुत ही ऐसी थिक लेयर है। स्टफिंग में अनियन, टमेटो, थोड़े से स्पाइसेस, lots of sweet corn, ये देखिए, this is crumbly and ये thick layer of potatoes, उसमें कुछ भी spices नहीं है, so nice, it's very soft. वेरी नाइस। आई थिंक बहुत डिफिकल्ट होगा चूज़ करने में कि पफ ज़्यादा अच्छा है या कटलेट, क्योंकि मुझे दोनों ही काफ़ी अच्छे लगे, बट दिस विंस बाई अ टाइनी मार्जिन। एंड फाइनली अ नाइस ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री। ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री भी मुझे बचपन की बहुत याद दिलाती है, क्योंकि मैं हमारे घर के बाजू में ना एक बेकरी होती थी, तो वहाँ से हमेशा मैं एक पफ और ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री खाती थी। ये भी दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, लॉट्स ऑफ क्रीम एंड दैट चॉकलेट पेस्ट्री लेयर, वो इट्स सो मॉइस्ट। आई हैव टू से पफ और कटलेट को हटाओ, दिस इज़ माई फेवरेट, सो गुड। मुझे ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री में सबसे क्या अच्छी चीज़ लगती है,
आपको क्रीम की भी टेस्ट आती है, आपको चॉकलेट केक की भी टेस्ट आती है और आपको जैम और चेरीज की भी टेस्ट आती है। देखिए यहाँ पे लेयर है एंड यू कैन टेस्ट ऑल ऑफ दैट इन दिस सो मॉइस्ट। लेट्स टेक अ बिग बाइट। आप कितना भी बड़ा बाइट ले लो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ये खाने में, क्योंकि इट्स मॉइस्ट, देयर इज नो एफर्ट इन च्यूइंग इट, द क्रीम परफेक्ट, अमेजिंग, और बहुत सारे चॉकलेट शेविंग्स भी डाले हुए हैं। वेरी मॉडरेटली स्वीट, मुझे जैम का भी टेस्ट आ रहा है एंड ओवरऑल दिस प्लेस इज रियली गुड। यहाँ पे आप आइए, पार्सल लेके जाइए क्योंकि यहाँ पे बैठने की तो जगह है नहीं, बट यू कैन ट्राई द स्नैक्स एंड डिजर्ट्स हियर, अमेजिंग। जगह हम आए हैं वो भी एक आइकॉनिक जगह है, इनफैक्ट आज हम जो भी जगह जा रहे हैं सब आइकॉनिक हैं। ये जगह पे आप जैसे ही आओगे इनके मेन्यू पे लिखा हुआ है वी हैव सीन जनरेशंस हियर, वी हैव नाउ कम टू चेकर्स, दिस प्लेस वाज सेट अप इन 1998। ये काफ़ी पॉपुलर प्लेस है फॉर इट्स कोल्ड कॉफी एंड चाइनीज। दिस इज हाउ देयर मेन्यू लुक्स लाइक। मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शन हैं फ्रॉम चाइनीज टू शेक्स, यू कैन सी सम कॉन्टिनेंटल, और यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है वेज फ्राइड राइस एंड इनकी फेमस कोल्ड कॉफ़ी। ये नागपुर की अपेरेंटली बेस्ट कोल्ड कॉफ़ी है, जो भी मुझे प्लेसेस रेकमेंड कर रहा था नागपुर की, चेकर्स की कोल्ड कॉफ़ी वो लिस्ट में पक्का थी। सो दिस इज़ सम फ्राइड राइस, आई कैन सी लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स इन दिस। एक चीज़ जो मुझे थोड़ी थोड़ी डिसअपॉइंटिंग बाय लुक्स लग रही है कि इसमें टमेटो है, आई डोंट लाइक टमेटोज इन चाइनीज डिशेज। एनी वे लेट्स टेस्ट एंड सी, आई थिंक टमेटो ही है, इट्स नॉट कैरेट, खाके देखते हैं। सो आई कैन सी सम कैबेज, स्प्रिंग अनियन, थोड़ा सा अनियन। लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। वाओ, मुझे देखने में लग रहा था कि बहुत ऑयल है पर एक्चुअली इतना ऑयल नहीं है। इसमें ना रॉ कैबेज डाली हुई है, लाइक कैबेज को कुक तो किया है बट आफ्टर इट्स मेड तभी इसमें थोड़ी रॉ कैबेज भी डाली है तो उसका स्वाद आ रहा है। सॉसेस एकदम लिमिटेड डाली हुई है, सोया सॉस, चिली सॉस आई थिंक एंड स्प्रिंग अनियन बहुत सारा डाला हुआ है। आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज क्योंकि एक्चुअली टमेटो नहीं, कैरेट्स हैं बहुत सारे, तो इसमें कैरेट्स, कैबेज एंड स्प्रिंग अनियन डाला हुआ है। अच्छे हैं, फ्राइड राइस क्वान्टिटी भी काफ़ी अच्छी है, ये तो एक एड ऑन हो गया, हम यहाँ पे एक्चुअली कोल्ड कॉफ़ी पीने आए थे तो चलिए अभी वो पीते हैं। हियर वी हैव सम कोल्ड कॉफ़ी, वो काफ़ी थिक लग रही है। ओ माई गॉड, अभी मुझे हाइप समझ में आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये काफ़ी थिक है, काफ़ी ठंडी है, कॉफ़ी का एकदम प्रोमिनेंट टेस्ट है। बहुत सारी कोल्ड कॉफ़ीज कैसे होती हैं कि इसलिए वैसे मीठी होती हैं, ये वैसी नहीं है। लुक एट हाउ थिक दिस इज़, अमेजिंग। और ये काफ़ी हैवी भी है, इसमें ना हल्का हल्का चॉकलेटी टेस्ट भी आ रहा है। ओह वाओ, इट्स वेरी नाइस। ऊपर से कॉफ़ी का जो फ्लेवर है ना काफ़ी प्रोमिनेंट और स्ट्रॉन्ग है, दैट्स व्हाट आई एम लविंग। ऊपर से थोड़ा कॉफ़ी स्प्रिंकल भी किया है इन्होंने। टू गुड, वर्थ ऑल द हाई। खाने वाले हैं नागपुर की ऑरेंज बर्फी। ये इतनी पॉपुलर है बिकॉज नागपुर इज़ कॉल्ड ऑरेंज सिटी और यहाँ पे ऑरेंज के रिलेटेड आपको जो भी मिलेगा इट्स सपोज टू बी रियली फ्रेश एंड रियली गुड। तो हम ये खा रहे हैं फ्रॉम दिस प्लेस कॉल्ड श्री हीरा स्वीट्स। ये प्लेस के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, हमने इनके इतवारी वाले ब्रांच से 250 ग्राम्स की ये ली है ऑरेंज बर्फी एंड लेट्स ईट दिस। सो अपेरेंटली ऑरेंज बर्फी हल्दीराम्स की भी बहुत फेमस है बट हल्दीराम्स तो अभी हर जगह पे मिलता है इसलिए मुझे खानी थी यहाँ की। ये देखिए, ये ना एक्चुअली खोलते ही एकदम ऑरेंज की वो जो टैंगी खुशबू होती है वो आ गई। ऊपर से चांदी का वर्क किया हुआ है, जैसे मैं बोल रही थी इसको जैसे ही मैंने खोला ऐसे लग रहा था कि मैं कोई ऑरेंज फार्म में आ गई हूँ, इतनी स्ट्रॉन्ग ऑरेंजेस की खुशबू। ओ माय गॉड, सो गुड। सबसे पहली बात, इसकी जो कंसिस्टेंसी है इट्स लाइक अ फज, एक ऐसा फज कैसे होता है
वैसे इसमें आपको दूध का टेस्ट आएगा थोड़ा थोड़ा, जैसे मावे का टेस्ट होता है वैसा। बट इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट फ्लेवर आता है वो है ऑरेंजेस का, पल्पी स्वीट टैंगी ऑरेंजेस। लुक एट दैट, ये आप देखेंगे बहुत स्ट्रेची है, पल्प कैसे ऐसे होता है एकदम ऐसा स्ट्रेची। ऑनेस्टली मैंने ऑरेंज के रिलेटेड जो भी डिज़र्ट्स खाए हैं वो मोस्टली ऑरेंज चॉकलेट ये सब होते हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट ऑरेंज मिठाई और डिज़र्ट आई हैव हैड एवर, रियल टेस्ट ऑफ ऑरेंजेस। तो थोड़ा मावे का भी स्वाद आ रहा है, फिर ऊपर से चांदी का वर्क, इट्स वेरी रिच इन टेस्ट ऑल्सो एंड इट्स मॉडरेटली स्वीट, पर इसमें हल्का सा टैंगी और ऐसे ऑरेंजेस का स्वीट फ्लेवर है। लव्ड इट। वीडियो हम एंड करने वाले हैं कुछ पकोड़े के साथ। हमने ऑर्डर किए हैं मूंग पकोड़े और जलेबी एट दिस प्लेस कॉल्ड संतोष पकोड़े वाला, अनदर वेरी पॉपुलर जॉइंट टू हैव सम स्नैक्स। मैंने ये चीज़ नोटिस कर ली अब तक कि नागपुर में फ्राइड चीज़ों का और स्पाइसी चीज़ों का बहुत क्रेज़ है, बहुत सारी जगह पे आपको मेनली फ्राइड चीज़ें ही मिल रही हैं एज स्नैक्स एंड यहाँ पे भी वही ऑप्शंस हैं। तो मैंने ले लिया है मूंग पकौड़ा। ये देखिए दो मिर्ची कैसे डाली गई हैं। दिस इज़ वन प्लेट ऑफ मूंग भजिया और उसके ऊपर ये चटनी डाली गई है। चलिए लेट्स ईट। ओह वाओ, जब मैंने चटनी का रंग देखा मैं बहुत डर गई, मुझे लगा बहुत ज़्यादा स्पाइसी होगी, बहुत ज़्यादा इन्होंने चटनी डाल दी है, बट दिस इज़ एक्चुअली वेरी मॉडरेटली स्पाइस्ड। द थिंग इज़ ये चटनी में दही डाली हुई है, मतलब मैं इसको अगर डिस्क्राइब करूँ तो इट्स मोर लाइक जो ठेचा चटनी होती है जो ग्रीन चिलीज की होती है और दही, उन दोनों को साथ में कड़ी या एक ग्रेवी टाइप बना के ऊपर से डाला है। ये चीज़ तो आपको मानी पड़ेगी, जब आप नागपुर में कोई फ्राइड आइटम लेते हो वो आइटम से ज़्यादा जो ऊपर से ग्रेवी या ये सब डालते हैं दैट इज़ समथिंग एल्स ओनली एंड इट्स सो इंटरेस्टिंग, जस्ट लाइक दिस चटनी। और ये पकौड़ा एकदम क्रिस्प मूंग दाल का पकौड़ा, बस धनिया डाला हुआ है और थोड़ा सा हरा मिर्च और थोड़े स्पाइसेस, दैट्स ऑल। काफ़ी क्रिस्पी है, बहुत अलग है ये और बहुत अच्छा भी। इन्होंने एक और चटनी डाली है मेरे ख्याल से, मुझे उसमें खटास भी आ रही है, जैसे इमली की कैसे खटास होती है, तो ये चटनी तीखी मीठी और खट्टी तीनों टेस्ट है। अब खाते हैं जलेबी, सब मावा जलेबी, चम्मच से तो ये टूट नहीं रहा है, चलो इसका सीधा एक बाइट ले लेंगे हम। आई लव मावा जलेबी। मुंबई में मैं काफ़ी बारी मोहम्मद अली रोड सिर्फ ये मावा जलेबी खाने जाती थी। बहुत ज़्यादा स्वीट है ये। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है जब जलेबी में मावे की जो स्वीटनेस है वो ज़्यादा हो कंपेयर टू शुगर सिरप, इसमें शुगर सिरप का बहुत टेस्ट आ रहा है, तो ये तो मुझे काफ़ी ओके लगी। बट ये भजिए काफ़ी कमाल के हैं, हम यहाँ पे चाय भी पियेंगे, यहाँ की चाय भी काफ़ी अच्छी है। पर आई थिंक नागपुर सीरीज़ का हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप यू गाइज एन्जॉयड वॉचिंग बोथ द वीडियोज़, इफ़ यू डिड प्लीज़ मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, दोनों ही वीडियोज़ देखना और मैंने जो जो मिस किया मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। इनफैक्ट एक और जगह हमें करनी थी जिसका नाम है वराड़ी थाट, तो हम वहाँ पे गए थे, बट आई थिंक आज मकर संक्रांति के वजह से वो जगह शट थी तो हम वहाँ पे खा नहीं सके, जिसका हमें थोड़ा सा अफसोस है, पर चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम। एंड या विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज़ वीडियो, आई होप यू गाइस एंजॉयड वॉचिंग इट, इफ यू डिड प्लीज़ मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, लीव अ कमेंट बिलो टेलिंग मी आपको सबसे बेस्ट डिश कौन सी लगी। टुडेज़ कमेंट शाउट आउट गोज़ टू ऑल दीज लवली पीपल, थैंक यू सो मच फॉर लीविंग अ कमेंट, आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन खाओ पियो खुश रहो, बाय। एंड आई एम इन नागपुर, फिर से संजय उपहार ग्रह अगेन। अब हमें तो पता चल यार, सॉरी फिर से करने में सब आइकॉनिक जगहें आती हैं। फिर से हमारे ब्रांचेस से हम इनके इतवारी वाले मूंग पकोड़े के साथ और सम नहीं एंड सम